अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू वन ऑफ द लार्जेस्ट सब्जी मंडी इन असम। हाँ दोस्तों, असम के सबसे बड़े बड़े सब्जी मंडी में से है बेचीमारी खारुपेटिया, ढिंग बाजार एंड दुमदुमिया मार्केट। हाँ दोस्तों, यहाँ पर मिलते हैं काफ़ी सारे वैरायटीज़ के सब्जी, अच्छे क्वालिटी वाली सब्जी और लार्ज क्वांटिटी में सब्जी मिलते हैं। तो आप सबको स्वागत है आज हमारे ढिंग बाजार में। तो गुड मॉर्निंग एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी खैरियत अच्छे होंगे। तो गैस, सुबह 6 बज रहे हैं, मैं ढिंग बाजार आया हूँ और आप सबका स्वागत है ढिंग बाजार सब्जी मंडी में। तो दोस्तों, अब देखिए वैरायटीज ऑफ सब्जी। ये देखिए तुराई, अभी स्टार्टिंग सीजन ऑफ तुराई है। तुराई मतलब रिज गॉड, ये हमारे आसाम इसमें जिका बोलते हैं दोस्तों। जिका लाओ कुमुना जिका भूल हद करला। हमारा भाई आज खीड़ा लेकर आए हैं बाजार में और खीड़ा का दम है लोकल वाला का जो 15 रुपीज़ पर किलो इन होलसेल। और दोस्तों अचाई जरूर पिलाएगा हमारा भाई। तो भिंडी है, तो आगे बहुत सारे सब्जियाँ देखने को मिलेंगी। इससे पहले आप सबको बता देना चाहता हूँ कि हमारे दुमदुमिया मार्केट और हमारे आसाम में काफ़ी सारे बड़े बड़े मार्केट में और ढिंग बाज़ार में इतने सारे वैरायटीज़ और अच्छे क्वालिटी की सब्जी क्यों मिलती है? क्योंकि हमारे जो गांव है ये ब्रह्मपुत्र के ठीक बाजू में गांव है और यहाँ पर पानी का कोई कमी नहीं रहता दोस्तों। और यहाँ की जो मिट्टी है, धान से ज़्यादा यहाँ पर सब्जियाँ उगती है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही अच्छी बात है। और किसान के मेहनत के फल से इतने सारे वैरायटीज़ और इतने अच्छे क्वालिटी यहाँ पर मिल जाते हैं। तो दोस्तों, बाजार में भीड़ में आप सबको ज़्यादा अच्छी तरह से मतलब कुछ दिखा नहीं पा रहा हो, फिर भी कुछ बातें कर रहा हो, प्लीज़ सुनिएगा जरूर और देखिएगा जरूर। तो गैस, आजकल के ज़माने में लोग तो ज़्यादा बाज़ार में आते नहीं है, 95% लोग आते नहीं है। तो बाज़ार में आना ज़रूर, इसका एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है। हम जो सब्ज़ी खाते हैं हर दिन की ज़रूरत है, उसके बारे में कुछ ना कुछ सीखना ज़रूरी है। कितने वैराइटीज़ रहते हैं, अच्छा वाला कैसा दिखता है, बुरा वाला कैसा दिखता है, सब कुछ जानना चाहिए। तो गैस, ढिंग बाज़ार में देखिए नींबू, अभी नींबू का सीज़न स्टार्ट हो गया। ये तो लता, आजकल के ज़माने में ये तो ऑन द टेबल, ये तो टेबल में डिस्प्ले करते हैं आजकल, क्योंकि इसका हर प्राइस है 100 रुपीज़ पर किलो दोस्तों इन होलसेल। देखिए कितना बड़ा मार्केट है, कितना बड़ा एरिया है। और दोस्तों यहाँ पर बैंगन, टमाटर, लाओ जो कद्दू है, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। बैंगन देखिए बड़ा वाला भी है, छोटा वाला भी है। टमाटर का सीज़न लास्ट है इसलिए ज़्यादा टमाटर नहीं है। और जब टमाटर का सीज़न होता है ना दोस्तों, यहाँ पर इतने सारे लंबे लंबे लाइन लग जाते हैं टमाटर की गाड़ी के। हाँ दोस्तों, ये देखिए खीरा है यहाँ पर, वो देखिए सामने जो जितना तराजू आपको दिख रहे होंगे, ये तो पहले ज़माने का था। बड़े बड़े तराजू यहाँ पर नापते हैं सब्जियाँ, लेकिन आजकल कंप्यूटर ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। और इस साइड में अभी रिटेल दुकान लग रहे हैं, यहाँ से आप रिटेल ख़रीद सकते हैं। देखिए कितने सारे मिर्चियाँ दोस्तों, मिर्चियाँ, करेला, बैंगन, टमाटर और जो खीरा, सब कुछ। तो यहाँ पर जो खाली जगह दिख रहे हैं आप सबको, ये खाली नहीं रहते। यूजुअली यहाँ पर विंटर सीजन में फूल गोभी, बंदा गोभी, टमाटर, सब कुछ यहाँ पर रहते हैं। अभी फ़िलहाल सब्जियाँ कम है इसलिए थोड़ा प्लेस खाली पड़ा है। सामने जो पम्पकिन है और तरबूज है वो एक्सपोर्ट करने के लिए रेडी है शायद। तो आगे सामने जो आपको बिल्डिंग दिख रहे हैं, उस बिल्डिंग में स्टोरेज के लिए गवर्नमेंट ने व्यवस्था कर दिया है, पब्लिक के लिए भी और दोस्तों व्यापारी के लिए भी। और दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन है कि हमारे आसाम से जितने सब्जियाँ उगते हैं वो हमारे आसाम में तो पूरा चल जाता है, आउट ऑफ आसाम भी चलता है हमारा सब्जी और आउट ऑफ कंट्री भी चले जाते हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी गर्व की बात है, तो वी आर वेरी प्राउड टू बी ए फार्मर। तो दोस्तों देखिए, जो चीज़ें हम हर दिन खाते उसके बारे में ज्ञान हासिल कीजिए, देखिए, घूमिए फिरिए हमारे ढिंग बाज़ार में, आइए, वेलकम करता हो दुमदुमिया बाज़ार में आइए, तो आप सबको इतने सारे वैरायटीज़ देखने को मिल जाएगी। तो आई होप कि हमारा ढिंग बाज़ार बहुत ही अच्छा लगा और इस वीडियो बहुत ही अच्छी लगी। तो आप सबको थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ हमारे ढिंग बाज़ार को। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम।